राशि। चलिए पहली गेंद आकाश सिंगल्स के साथ डायरेक्ट हिट मारने का प्रयास, लेकिन समझदारी भाराकान गेंद स्वागत में थी थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर पान से खा पी कर पूरी सब्जी बनिया आचार्य रहे वापस वंजरिया ने कमाल किया संजय पे शून्य के स्कोर पर। यहां पर विकेट कीपर ने कैच लपका, जोर शोर के साथ उत्साह भरा और विश्वास भरा अपील हुआ, अंपायर ने हिचक नहीं दिखाई, अंगुली को लहरा और वापस शेर के मुंह में खून का स्वाद मिल चुका है। वाकई कमाल का बेहतरीन आवाज और आवाज के साथ साथ अंजाम भी वही छोड़ने में तब्दील। ये क्या बेहतरीन इतनी बेमिसाल गगन भेदी छक्का है। अगली गेंद विफलता स्पार खूबसूरत तरीके से हमारे रास्ते पर छक्का बैक टू बैक। ब्रिगेड का जो दर्द था उस दर्द पर थोड़ा सा हल्का सा यहां पर मेहनत लगाकर उस दर्द को कम करने का काम कर रहे हैं। अनिश क्या बेहतरीन खूबसूरत अंदाज है बल्लेबाजी का। क्रिकेट स्कोरिंग शॉट इस बार यॉर्कर को खोदकर एंड साइड में गेंद सिमरगा की तरफ जा रही है। उस तरफ से चट्टान तैयार है गेंद को रोकने के लिए। एक रन और सामने गेंदबाज ये गेंद एंड साइड में देख रहे हैं पैर का इशारा अतिरिक्त का अतिरिक्त खूबसूरत साफ साफ क्या बेहतरीन आवाज आई, लेकिन प्लेसमेंट अच्छा नहीं था, टाइमिंग तो खूबसूरत था। ऑन साइड में फील्डर लॉन्ग लेग पर मौजूद सिर्फ एक रन ओवर की समाप्ति और बल्लेबाज भी तैयार। खूबसूरत बेहतरीन शॉट, लेकिन इसे रंगा फील्डिंग डायरेक्ट थ्रो अगर आता तो थोड़ा बहुत खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज पर पटकी हुई गेंद मती राम है पर गेंद को सीधे डुमराओ के पास पहुंचा दिया है। एरिया पहचान कर अनिश के बल्ले से एक और गड़गड़ाहट, एक और बादलों का जो भेद है उसको छेदते हुए गेंद को सीधे फायर कर दिया था भरते हुए। फिर गेंद को इतना ही खूबसूरत तरीके से गेंद को रोका, रचनात्मक तरीके से समझा सर को झुकाया। क्रिकेट भी किसको बोला जाता है। इस बार पटकी गेंद को क्या बेहतरीन लीजिए, इस बार घर में गेंद जाकर गिरी है और साथ क्या बेहतरीन तरीके से दो कदम बढ़ाकर गेंद को मारो बल्ले से चटकाया और गेंद भी हंसते हंसते चली गई। इसको अरे इस बार खूबसूरत अंदाज में ब्रांच कर दिया है गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर दम बढ़ाते हुए शादा दंशी ओवर में बन चुके हैं। और इस बार खूबसूरत गेंद खूबसूरत ड्राइव कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 33। ये सब थर्ड बॉल भी बोला जा सकता है और इस गेंद को तगड़ा शॉट लेने का प्रयास अच्छा हुआ कि रन लेने का प्रयास नहीं किया, गेंदबाजी था विकेट कीपर चौकन्ने थे। फाइनल पर एक खिलाड़ी हिट और चलिए यहां पर ओवर थ्रो कह सकते हैं। अंपायर का डिसीजन चले अंपायर को पार करने के साथ ही और इस बार फिल्टर्स पर गेंद थी उसे खेलना चाहते थे। साइड में यहां पर ऑलआउट का खतरा हो सकता है, ये बार अपील हो रही है, लेकिन अंपायर ने अपने फैसला पर निकटे नॉट आउट। बहुत ही अच्छे छक्के लगा चुके हैं। लीजिए एक और खूबसूरत बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है तो सिर्फ एक रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन जितने भी बताए सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास। इस बार फील्डर्स गेंद को नसीहत दिया है, पांडे जी ने गेंद को पहुंचा दिया है गगन भेदी रास्ते, सीधे गेंद जाकर उस क्षेत्र में जो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर माना जाता है यानी कि छक्के के बाद कोई। अरे इस बार कैसा का चमाटा कैस की आवाज आया,
गेंद की रफ्तार थी, बल्ले की झनकार थी, शॉट का अंदाज था और गेंद सीधे हवाई रफ्तार लॉन्ग बैट के ऊपर से 6 रनों में तब्दील हो गया। स्कोर देखते ही देखते बढ़कर 46 रनों पर जा पहुंचा है। वाह गजब का शॉट, लेकिन उतना है एंड ऑफ फील्डिंग, वापस पवेलियन। जी हाँ, पहला ओवर में सफलता के बाद दूसरा विकेट भी चटकाया रजनी ने और कमाल किया, हल्के पर सेट का अंदाज था। इस बार ऑन साइड में गेंद, अविश्वास सिंधु ने हल्के बल्ले से दो मैच लैंड में गेंद जाकर गिरी है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और पांडे जी इशारा करते हुए कि अच्छा हुआ कि स्ट्राइक थमा दिए, इस ओवर का सुखा को खत्म करेंगे। लेकिन विकेट चटकाए हैं क्योंकि मैन लेग साइड के बाहर वाइड का इशारा, फिर से तैयार। अविश्वास पांडे जी ने ऑन साइड में खेला है तो राहुल के बल्ले से एक सिंगल आएगा। शॉर्ट 20 गेंद थी और कहीं ना कहीं पछतावा होगा कि गेंद को ताना था, पड़ रहा है और झिझले के साथ ही गेंद को पहुंचा दिया है फील्डर के पास, वापस पवेलियन के रास्ता। तो रजनी को यह तीसरा सफलता तिठार की, इसे कवर तोड़ने के बाद फिल्टर्स पर गेंद को ऑन साइड में सीधे हवाई रास्ते को मौका रहे, 6 से आगाज किया जो 3 जरूर विकते लिए थे, लेकिन इस छक्के ने उनको थोड़ा सा तोड़ा होगा। और जिसे आवाज गुजरी और सीधे तब्दील किया, छक्के के साथ आगाज किया इस ओवर का, पटकी ही गेंद थी, पहले ही देख लिए थे शेडो प्लेन। और सामने राहुल अच्छी गेंद थी, नतीजा की सिर्फ 1 रन बनेंगे जैसे तैसे। स्ट्राइक पर आनंद पाए हाथ के बल्लेबाज और मजा का नतीजा है कि गेंद उसी दिशा में गई है, आप जिस दिशा में बोलेंगे और नो बॉल का भी इशारा आ रहा है, सोने पर सुहागा, नो बॉल भी है। उसका प्रेम है उसी बगान से और देखिए इस बार खेतवाड़ी में गेंद जाकर डीजे वाले भैया सोच रहे होंगे कि अच्छा है कि डीजे पर ना लगे, पवन जी के पास चला गया है। लीजिए गेंद भी पहचान रही है, बाहर है तो जाकर आपको नमस्कार कर रही है। और देखिए इस बार नेट बॉल होगा और फिर से गेंद में दिशाही 77, 3 विकेट के नुकसान पर बड़ी खूबसूरत नजारा है। और इस बार जी हां, गेंद खेतवाड़ी ना करके इस बार बसवाड़ी की तरफ चली गई है, नतीजा वही 4 गेंदों पर 4 छक्के। देखिए 2 छक्के की डिमांड बढ़ने लगी कि 6 गेंदों पर 6 छक्का ही लगा दीजिए। पहला गेंद पर भी छक्के और इस बार भी देखिए हमारे ठीक कमेंट बॉक्स के नीचे गेंद गिरी और गिर के निकल गई है। 4 रन है कि नहीं देखना, 4 रन का इशारा आता था। थर्ड मैन हमारे थर्ड अंपायर बैठे हुए हैं कुर्सी पर विराजमान, 3-3 3-3-2 महादेव, देखिए लो 3 टिकट महादेव चौका। फिर से और इस बार देखना है गेंद और खिलाड़ी में गेंद को रुकना पड़ेगा। 1 रन आया, 88 रन, 5 ओवर समाप्त हो गया। गेंदबाज है, चलिए तो छक्का पक्का है, गेंद इतनी लंबा दूर जाके देखिए गेंद यहां से दिख रही है 94 रन। देखिए भैया लेके भागिए मत, फेंकी के बाद वाह ईमानदारी के पर चल गया। इस बार चुके हैं डॉट गेंद और लगा नहीं लेकिन जोरदार झटका लगेगा। जी हाँ वापस पवेलियन, नए बल्लेबाज प्रो को साकार करने का योगदान देते हैं। लीजिए फिल्टर्स पर बहती गंगा में हाथ धोया, क्या बेहतरीन छक्का लगा दिया, रोकने अंदाज निराला है और 100 रन भी होता हुआ।
इसके बाद रेशमा अच्छी गेंद पूरी तरह से बीट करने में कामयाब। पुनः वापसी करते हुए विकेट कीपर के अलावा एक स्लीपर डॉटर खिलाड़ी लीजिए यहाँ पर रन आउट होना ही पड़ेगा। किसी एक को अपना योगदान देना था तो किसी को नुकसान। चलिए फिनिंग लास्ट कुल स्कोर 16 रन बने। हैंड्रिक रन 101 रन शुभ मिला हुआ है जीत के लिए बंजरिया को। और मैं कठार टीम से चाहूंगा कि आप जितने जल्दी हो सके अपने फील्डर लगा लें।